सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी येचुरी से भी मिले हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि इख्तदार में आने के बाद मुआविन जमातों के लीडरान से मुलाकात कर रहे तेजस्वी यादव और मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। महंगाई, ईडी और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने मरकज की हुकूमत को घेरा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए आज तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे और उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई। साथ ही उन्होंने अपनी तमाम मुआविन जमात के लीडरान के साथ भी मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने अपने मुआविन जमातों के लीडरान से मुलाकात की है और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली पहुंचकर कैबिनेट तौसी और दीगर अहम मुद्दों और मसाइल पर चर्चा के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी येचुरी से भी मुलाकात की। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है। मिस्टर तेजस्वी हैज कम टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली। आई अंडरस्टैंड ही हैज बीन मीटिंग लीडर्स ऑफ फ्रेंडली पार्टीज। ही invited me, I met him and we discussed the Bihar development. We are of the view the Bihar development is quite positive and it will have very big impact. दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। यहां पहुंचकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद अपनी मुआविन जमातों के लीडरान से भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। इसके बाद मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा तेजस्वी यादव ने। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो, यही काम भाजपा का रह गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है, यह किसी से छुपा नहीं है।